नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम आटे और सूजी से आज एक बिस्किट बनाएंगे। तो इसे कढ़ाई में बनाएंगे, हम बेक नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनते हैं ये, और बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होंगे। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये 1/4 कटोरी घी लिया है। आप सभी एक सेम कटोरी से मेजरमेंट करें। एक कटोरी मैंने पिसी हुई चीनी ली है, 2 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है, आधी कटोरी सूजी ली है और 1 गिलास दूध लिया है। तो दूध ये पूरा नहीं लगेगा, बस हमें डो बनाना है दूध से। तो आइए बनाते हैं। तो एक हम खुला बर्तन लेंगे इस तरह से, उसमें हम घी डालेंगे। आप घी को चाहे तो थोड़ा मेल्ट कर लें, और इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे और इसे हमें मिलाकर थोड़ी देर बीट करना है। उससे बहुत फ्लफी सा इसका टेक्स्चर हो जाएगा, बहुत क्रीमी सा। तो देखिए, बीट करने के बाद ये ऐसे रेडी हो जाएगा। फिर इसमें हम गेहूं का आटा और सूजी डाल देंगे, और दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं। इसमें सोडा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे ही बहुत सॉफ्ट बनेंगे बिस्किट। तो इन्हें पहले मिला लें और एक टाइट सा डो रेडी कर लें। तो बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं है इसे, हमें बस मिलाना है, जल्दी से रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया। अब आप एक हाथ में घी लें, घी को हमें आटे पर भी लगाना है और बेलन पर भी आप लगा लें, और जिस सरफेस पर आप बनाएंगे वहाँ भी लगा लें, उसे चिपकेगा नहीं। तो आप देखिए इस तरह से मोटी सी एक लोई लें हाथ में, इसे थोड़ा हाथ से फैला के हल्का सा बेलन चलाना है हमें। इस पर नहीं, साइड से फटने लगता है, और ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, छोटा ही करना है। और इस तरह से कुकी कटर लेकर आप इसे काट लें, आप जो चाहें उस शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए साइड का आटा हटा देंगे, तो बहुत ईजीली ये हमारी शेप के जो हमने बनाए हैं निकल जाएंगे। तो देखिए इस तरह हार्ट शेप के ये कुकीज़ रेडी हैं। तो बहुत पतला नहीं रखना है आपको, मोटा रखना है इसे। और गोल बनाने के लिए देखिए आप किस तरह छोटी सी लोई लेनी है, उसे दबाना है और एक कांटे की हेल्प से इस तरह से उसमें लाइन रेडी कर देनी है। तो इस तरह से बहुत इजीली ये गोल वाली शेप के बन जाएंगे। तो देखिए मैंने ये सब रेडी कर लिए हैं बनाकर। आइए अब इनको फ्राई करते हैं हम। तो एक कढ़ाई में देखिए आप तेल ले लें, और चाहे तो आप घी ले सकते हैं। मैंने तेल में थोड़ा सा घी डाला है, इससे घी का फ्लेवर आ जाएगा। तो आप इसे एक बार तो इसे पूरा गर्म कर लें, उसके बाद हमें इसे मीडियम से लो की तरफ कर देना है। इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, ये आप ध्यान रखें, ये मीडियम से लो पर ही कुक होंगे। तो देखिए इस तरह से आप ज़्यादा हिलाएं नहीं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, घी की वजह से टूट सकते हैं। तो बहुत आराम से आप फ्राई करें इन्हें, बहुत धीरे धीरे पलटना है आपको इनको। तो 3-4 मिनट एक तरफ से, 4-5 मिनट एक तरफ से आप कुक कर लें। अब बहुत आराम से इन्हें पलटें। तो ये देखिए इस तरह से हमारे ये 8 से 10 मिनट में ये बिस्किट तैयार हैं बनके। बहुत ही खस्ता और करारे बनते हैं, और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। और इन्हें आप स्टोर करके रखें, 1 महीने तक ख़राब नहीं होते हैं, पर ये 1 महीने चलेंगे नहीं, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम गोल वाले भी बना लेंगे, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आपको बनाने हैं 8 से 10 मिनट दोनों तरफ से, और इस तरह से ही रेडी हो जाएंगे बिस्किट हमारे। तो लीजिए, आटे और सूजी के बहुत ही टेस्टी कढ़ाई में बने हुए बिस्किट रेडी हैं। तो आप इसे बनाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।